चेन्नई के कांचीपुरम जिले के थिरुविदंदाई में डिफेंस एक्सपो 2018 की शुरुआत हो चुकी है। इस बार इस एक्सपो की थीम भारत उभरता रक्षा विनिर्माण हब है। डिफेंस एक्सपो का उद्घाटन रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को किया। आपको बता दें कि इस बार डिफेंस एक्सपो में मेक इन इंडिया पर खास जोर दिया गया है, जिसके चलते पहली बार पीएम मोदी भी डिफेंस एक्सपो में शामिल हुए। उन्होंने मेक इन इंडिया स्टॉल का उद्घाटन किया। पीएम मोदी रक्षा क्षेत्र के वैज्ञानिकों, तकनीशियनों, निजी क्षेत्र के इंजीनियरों और उद्योगों का मनोबल बढ़ाने के लिए डिफेंस एक्सपो में शामिल हुए। गौरतलब है कि डिफेंस एक्सपो में विश्व भर के कई देशों की बड़ी रक्षा कंपनियां अपने हथियारों का प्रदर्शन करती हैं और उन सभी का जोर अपने हथियारों के निर्यात को बढ़ावा देना होता है। इसीलिए इस बार भारत की लगभग 500 हथियार बनाने वाली कंपनियां इस शो में हिस्सा ले रही हैं, जो अपने द्वारा बनाए गए हथियारों का प्रदर्शन करेंगी। डिफेंस एक्सपो भारत में निर्मित कई रक्षा प्रणालियों और रक्षा उपकरणों के निर्माण निर्यात की क्षमता पर केंद्रित होगा। आपको बता दें, डिफेंस एक्सपो 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक चलेगा। NMF न्यूज़ की रिपोर्ट।